my dear students of 7th standard i selvin george from bachpan and seven star convent school going to start the chapter of history second chapter name of the chapter is new kings and kingdoms in the 7th century there were many new dynasties were emerging in india's map there were many new kingdoms examples in south india cheras cholas pandyas Rashtrakutas, the Pariharas and every different many many kingdoms were uh, beginning their new life. New dynasties was creating, been established. We will dis discuss these new dynasties uh, today. The new topic is today, the point we are going to discuss is the emergence of new dynasties. सबसे पहले डायनेस्टी का मतलब क्या है डायनेस्टीज का मतलब एक राजा बनेगा उसका बेटा राजा बनेगा उसका बेटा राजा बनेगा एक वंश चलाएगा जो ये वंशवाद है इसे हम लोग डायनेस्टिक रूल कहते हैं By द 7th सेंचुरी there were बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स chief इन डिफरेंट regions ऑफ द subcontinent. Existing king किंग acknowledged them as their देयर or और इसका मतलब ये है सेवन सेंचुरी में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे या वॉरियर चीफ थे या मतलब सरदार थे जिनके पास सेना थी वो एरिया में वो राज करते थे लेकिन वो राजा के सबऑर्डिनेट्स थे राजा उन्हें अपना सेनापति या सरदार समझता था जिसे वो सामंत के रूप में जानते थे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर दर किंग्स और ओवर

अपने लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके बहुत सारे एरियाज में बड़े बड़े ज़मींदार होते थे या वॉरियर्स चीफ होते थे उनके पास छोटी मोटी सेना होती थी और वो राजा के सबॉर्डिनेट्स यानी सामंताज कहते थे राजा उन्हें या अपने सरदार राजा ये उम्मीद रखते थे कि सामंत उनके पास आएंगे उन्हें गिफ्ट देंगे उनके कोर्ट में हाजिर रहेंगे दरबार में हाजिर रहेंगे उन्हें ज़रूरत पड़ने पर पैसा और मिलिट्री सपोर्ट यानी सैनिक भी देंगे लड़ने के लिए धीरे धीरे ये लैंडलॉर्ड्स और ताकतवर होने लगे जैसे जैसे ज्यादा ताकतवर होने लगे इन्होंने अपने आप को महासामंता कहलाने लगे या वो सर्कल या वो पूरा एरिया का सामंत है और राजा के अंडर में ही आते थे वन सच इंस्टेंस वॉज दैट और इसके एक और बोलना था कि ये अपने आप को जैसे जैसे पावरफुल होने लगे तो ये अपने राजा अपने आप को राजा भी कहलाने लगे वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ राष्ट्रकूटास इन द डेकन इनिशियली देर सबॉर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटक एक ऐसा ही एग्जाम्पल याद आ रहा है ये डेक्कन यानी हमारे साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं राष्ट्रकूटास सबॉर्डिनेट्स थे यानी सामंत थे चालुक्यास के जो कर्नाटक के राजा राजवंश था इन द मिड एटीन सेंचुरी द मिड एट्थ सेंचुरी दंती दुर्ग ए राष्ट्रकुटा चीफ ओवर थ्रू ए चालुक्या ओवर लॉर्ड एंड परफॉर्म द रिचुअल कॉल्ड हिरण्या गोल्डन गर्ब द गोल्डन वोम वेन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास इट वॉज टू लीड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइजर और क्षत्रिय इवन इफ इज़ नॉट वन बाय बर्थ एक अच्छा इंस्टेंट्स याद आती है राष्ट्रकूटा के साउथ इंडिया में जो चालुक्यास के सबॉर्डिनेट्स थे उसमें से एक जो चीफ था राष्ट्रकुटा के ये राष्ट्रकुटास के दंती दुर्ग उसने चालुक्या के जो राजा थे उसको हटा दिया और खुद ही एक रिचुअल यानी जो पूजा पाठ था उसने खुद किया और उसे नाम दिया हिरण्य गर्भ इसका मतलब था गोल्डन वोम इसे ये मतलब था कि जो भी ये सेक्रीफाइस या जो भी ये पूजा करता वो रीबर्थ में क्षत्रिय के रूप में होता यानी वो भले ही वो क्षत्रिय ना हो लेकिन उसे क्षत्रिय के रूप में माना जाता इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज़ देयर military स्किल्स टू काव आउट किंगडम्स और बहुत सारे ऐसे भी पता चलता है कि कई राजा मतलब जो लोग थे बहुत बड़ी बड़ी फैमिली से वो अपने मिलिट्री स्किल्स यानी लड़ा लड़ने की ताकत जो थी और अपनी सेना के दम पे, उन्होंने राज कायम किया स्थापित किया ऐसा ही है कड़म्बा मैसूसराश्रमन और गुजरा परिहारास हरिचंद्र ये सब ब्राह्मण्स थे ट्रेडिशनली लेकिन इन्होंने ब्राह्मण धर्म छोड़कर हथियार उठाए और राजा बने जैसे कि वो कर्नाटक के और राजस्थान के रिस्पेक्टिवली बोलने का यह मतलब था कि धीरे धीरे जिसके अंदर जो ताकत थी वो अपने आप को साबित करने के लिए उसने हथियार उठाए और राज अपने आप को राजा स्थापित कर दिया उस टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम कैसा था एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि उस टाइम कैसे मतलब राजबार कैसे चलाते थे राजा लोग मैनी ऑफ दिस न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एस महाराज राज ग्रेट किंग ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स त्रिभुवना चक्रवर्ती लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड एंड सो ऑन हाउ इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स दे ऑफन शेड पावर विथ दर सामंताज एज वेल एज दर एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणस वक्त के साथ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के पहले राजाओं ने अपने नाम में बहुत सारे टाइटल्स ले लिए महाराजराज चक्रवर्ती ऐसे नाम रखे उन्होंने ताकि वो वज़न पढ़े लेकिन फिर भी हकीकत में देखे तो वह अपने सामंतों के साथ Uh, अपना राज बांटना पड़ता था कि सामंतों को भी अधिकार देनी पड़ती थी ब्राह्मणों को अधिकार देना पड़ता था ये मिलकर राज करते थे इन ईच ऑफ़ द स्टेट रिसोर्स वे आर ऑप्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स दैट इज इजेंस कैटल कीपर्स आर्टिशंस हुर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ वॉट दे प्रोड्यूस समटाइम्स दीज आर क्लेम्ड एज रेंट डू टू लॉर्ड हुट दैट ही ओन्ड द लैंड रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स हर वक्त रिसोर्सेस प्रोड्यूसर से लिया जाता था यानी जो मेहनत करते थे जैसे कि पीजेंट्स थे जो भेड़ बकरी पालते थे जो कला आर्टिशन्स थे जैसे कि कुंभार था कारपेंटर का काम करते थे इन सबको मजबूर किया जाता था कि जो भी ये उत्पादन करते थे उसमें से कुछ हिस्सा ओवर लॉर्ड यानी राजा या सामंत को देना पड़ता और या ट्रेडर्स यानी व्यापारी भी व्यापार भी करते थे उनको भी पैसा देना पड़ता दीज सोर्सेज वेर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स यही पैसा यूज होता था राजा को स्थापित करने में उसकी सेना के लिए मंदिरों के लिए किले बनाने के लिए और जब लड़ाई होती थी उस टाइम पर यह पैसा काम आता था और इस धीरे धीरे ये पैसा जमा होने लगा और ये पैसा सब कुछ कहाँ से स्टार्ट होता था पीजेंट्स आर्टिस्टें ट्रेडर्स इनसे लिया जाता था द फंक्शनरीज ऑफ कलेक्टिंग revenue were जनरली रिक्रूटेड their influential फैमिलीज एंड positions were often hereditary. हेरीटेटरी अभी एक बात जैसे कि अभी मैं सामंत हूँ तो मैं अभी एक एरिया का पैसा कलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे बाद मेरा बेटा कलेक्ट करता इसे हेरीडेट्री बना दिया गया और मैं पैसा रखता और उसे राजा के आगे फॉरवर्ड कर देता अपनी सेना थोड़ा सा बना लेता बाकी राजा रख लेता इस तरह से ये समाज उस टाइम पे चल रहा था एट सेंचुरी में Learn the question answer, learn the hard words, read the paragraph, write the hard words in your notebook, write down the meanings in Hindi and English, learn it. It will increase your vocabulary. You can write the answers in your own language if you know all these things. Thank you. Tomorrow we will continue with the next part.